ओके सो आज मैं बात करने वाला हूँ एक कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में। इसका नेम है ब्लेड रनर। ये रिलीज हुई थी 1982 में। हाँ माना बहुत ओल्ड है, बट मेरा इसको एक्सप्लेन करने का एक रीज़न है, क्योंकि फिर मैं इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ब्लेड रनर 2049 जो कोई चुन्नू मुन्नू टाइम पीरियड नहीं, बल्कि पूरे 35 साल बाद रिलीज हुई जाके 2017 में। और सेकंड पार्ट लिटरली बहुत औसम है उसके स्टोरी और उसके VFX को लेके। और एक्चुअली दोनों मूवी ऐसी हैं कि अगर इनको नहीं देखा तो आप ये नहीं बोल सकते दैट आई एम अ साईफाई जंकी और मेरी रगों में साइंस फिक्शन दौड़ता है। लेकिन अगर मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मेरी पूरी वीडियो देख लेना, विन विन सिचुएशन हम दोनों के लिए, मजा आएगा पक्का, क्योंकि स्टोरी काफी अच्छी है। खैर अगर आप इस चैनल पे गलती से फर्स्ट टाइम आ गए हो तो अपनी गलतियों को सुधारो यार, सब्सक्राइब करके जाओ ताकि दोबारा आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो मूवी सेट है लॉस एंजलस में और एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक मूवी है तो ये फ्यूचर पे बेस्ड है। मूवी की टाइमलाइन होती है ईयर 2019। भूलना मत ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 1982 में। सो 2019 उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर था, बट फिलहाल मेन टाइम हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। हाँ और मूवी के इस टाइम की टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। हवा में उड़ती हुई कार्स, जहर ढाती हुई CNG वाली टेम्पो, चमचमाती सड़कें और बिल्डिंग्स और लड़कियाँ, बेसिकली जो अपन 2019 जी के आए वैसा तो दूर दूर तक नहीं होता है। डायरेक्टर ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था कि 2019 में हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखेगी। खैर टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई होती है यहाँ कि मैन काइंड अब अर्थ के बाहर जाके अदर प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते होते हैं, और यहाँ पर अब एनिमल्स और ह्यूमंस के क्लोन्स को भी टेक का यूज करके बिल्ड किया जा सकता होता है। मतलब जो एनिमल्स रियल लगते हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड होते हैं, रोबोट्स, और सेम ह्यूमंस के साथ भी होता है। इन ह्यूमन क्लोन्स को, मतलब एंड्रॉयड्स को, रेप्लिकेंट्स बोला जाता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका नेम होता है द टायरल कॉर्पोरेशन, और इसके हेड का नेम होता है डॉक्टर एल्डन टायरल, इसी की कंपनी होती है ये, और यही ह्यूमन लाइक एंड्रॉयड्स बनाता है, रेप्लिकेंट्स। इनको बोला गया है Nexus 6 रेप्लिकेंट्स। ये ऐसे रेप्लिकेंट्स होते हैं जो लगते एकदम ह्यूमन है बट उनके पास ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रेंथ और एगिलिटी होती है, ये ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लेकिन इनको स्पेशली इसलिए बनाया होता है ताकि ये ऑफ वर्ल्ड, मतलब अर्थ से बाहर जाके यूनिवर्स में एक्सप्लोर कर सकें। इनको एज अ स्लेवरी यूज किया जाता है, ऑर्डर्स देके नौकरों की तरह। लेकिन फिर इन रेप्लिकेंट्स ने एक ब्लडी वॉर शुरू कर दिया था, इसके बाद अर्थ पे इनको इलीगल घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ की जो स्पेशल फोर्स पुलिस होती है, इन्हीं को एक्चुअली बोला गया है द ब्लेड रनर्स। इनको ऑर्डर मिलता है कि आपको जहाँ पर भी कोई रेप्लिकेंट दिख जाए उसको वहीं ठोक देना, मतलब डायरेक्ट एनकाउंटर। और इस चीज को ये लोग मर्डर भी नहीं बोलते, ना ही एग्जीक्यूशन, ये बोलते हैं इसको रिटायरमेंट, मतलब रेप्लिकेंट का मर्डर कर दो और वो रिटायर हो जाएगा, ना कि एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि उन रेप्लिकेंट्स को पहचानना सबसे कठिन होता है, क्योंकि सेम ह्यूमन जैसे दिखते हैं वो, बहुत माइनर डिटेल्स होती हैं जिससे डिफरेंस पता किया जा सके कि वो रेप्लिकेंट है या ह्यूमन। तो ये पूरा सीन होता है इस मूवी में। और अब हम बात करते हैं इस मूवी के मेन प्लॉट की। एक्चुअली में प्लॉट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिस तरह मैं बताऊंगा, सिर्फ उस वजह से, बाकी तो डायरेक्टर्स ने कसम खा के रखी है कि दिमाग का दही करना है इनको तो करना है। सो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को दिखाते हैं, इसका नेम होता है लियोन, और इसको एक रूम में बुला के इसका एक टेस्ट लिया जा रहा होता है, जिसमें सामने वाला पर्सन अपनी मशीन का यूज करके इससे कुछ वियर्ड सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा होता है, ये जो मशीन है ह्यूमंस इसी का यूज करके पता लगाते हैं कि सामने वाला पर्सन जिसका टेस्ट हो रहा है वो ह्यूमन है या फिर एक रेप्लिकेंट। तो इस सीन में भी यही चीज़ हो रही होती है, यही टेस्टिंग हो रही होती है, बट यहाँ पर लियोन मशीन ऑपरेटर पे गोलियों की बारिश कर देता है और वो मर जाता है, और लियोन यहाँ से फरार हो जाता है। इसका मतलब ऑब्वियसली वो लियोन एक रेप्लिकेंट होता है। और अब हमें मूवी के मेन हीरो को दिखाते हैं, इसका नेम होता है रिक डेकर्ड। ये एक एक्स ब्लेड रनर होता है और ये आराम से चाइनीज खा रहा होता है, बट इससे मिलने एक आदमी आता है, इसका नेम होता है एडवर्डो गैफ। इसके मूवी में रोल तो ज़्यादा नहीं है बट इसका रोल मूवी में काफ़ी बड़ा है, एकदम एंड में समझ में आएगा जो भी बका मैंने। सो ये डेकर्ड को अपने साथ लेके एक हेड ऑफिस जाता है, और यहाँ पर डेकर्ड से इसकी ब्लेड रनर वाली जॉब पे इसको वापस आने के लिए बोला जाता है, इसको काम दिया जाता है। इसको बताया जाता है कि 4 डेंजरस रेप्लिकेंट्स आवारा घूम रहे हैं, उनको ठोकाओ। सो पहले तो डेकर्ड इस काम के लिए मना करता है, एक्चुअली में इसको ये जॉब पसंद नहीं होती, ये अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता है, ना कि सिर्फ दूसरों को मारना, इसीलिए इसने जॉब छोड़ी थी फर्स्ट प्लेस पे। बट इसके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता फिलहाल, इसको राजी होना पड़ता है। और इसको चारों रेप्लिकेंट्स के बारे में बताया जाता है, इसमें फर्स्ट वही लियोन था, सेकंड रॉय बेटी, ये रेप्लिकेंट्स के लीडर जैसा वर्क करता है, थर्ड जोरा, फोर्थ प्रिस। और डेकर्ड को इसका सीनियर बताता है कि अब रेप्लिकेंट्स और इम्प्रूव हो गए हैं, वो और ह्यूमंस की तरह बन गए हैं, वो ह्यूमंस की तरह फील कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं। और इसका सीनियर डेकर्ड को सबसे पहले डॉक्टर टायरल के यहाँ भेजता है, क्योंकि इसके हिसाब से वहाँ पर एक न्यू जनरेशन की रेप्लिकेंट होती है, डेकर्ड को उसका टेस्ट करना होता है और पता लगाना होता है कि वो रेप्लिकेंट है कि नहीं। सो टायरल की बिल्डिंग जाता है
और वहाँ आती है खूबसूरत महिला, इसका नेम होता है रेचल। यही होती है वो लेटेस्ट वर्जन वाली रेप्लिकेंट। और टायरल भी यहाँ आता है और डेकर्ड रेचल का टेस्ट लेना स्टार्ट करता है, इससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है। बट एक्चुअली में इसकी मशीन ये नहीं बता पाती कि वो रेप्लिकेंट है कि नहीं, वो बिल्कुल ह्यूमन जैसी ही होती है, उसके बात करने का तरीका सब कुछ। टायरल ये डेकर्ड को एक्सप्लेन भी करता है अकेले में, ये बताता है कि एक्चुअली में इसने रेचल के ब्रेन में किसी और ह्यूमन की मेमोरीज को ट्रांसफर कर दिया है, जिस वजह से ये रेचल को खुद नहीं पता होता कि वो एक रेप्लिकेंट है, वो दूसरे इंसान की मेमोरीज पे जी रही होती है और इसी वजह से उसका नेचर पूरे ह्यूमन जैसा लग रहा होता है। और यहाँ पर एक्चुअली डेकर्ड रेचल को देख के पिघल भी गया था, मैन विल बी मैन। और अब अगर आप सोच रहे हो कि रूल तो ये था कि किसी भी रेप्लिकेंट को जिंदा नहीं छोड़ना है, तो डेकर्ड ने रेचल को क्यों नहीं मारा, तो इसका पहले ही कहना था कि ये सिर्फ उन्हीं रेप्लिकेंट्स का एनकाउंटर करता है जो डेंजरस होते हैं, और रेचल डेंजरस नहीं होती। इसको टायरल ने स्पेशली इसीलिए बनाया था ताकि वो ह्यूमंस के बीच में रह सके और किसी को पता ही ना चल पाए कि वो एक रेप्लिकेंट है, इसीलिए डेकर्ड उसको नहीं मारता। खैर, अब डेकर्ड उन चारों रेप्लिकेंट को वन बाय वन ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और इस साइड ये रेप्लिकेंट्स को ढूंढ रहा होता है और उस साइड रे बेटी वो टायरल को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि हमें यह पहले बताया जाता है कि रेप्लिकेंट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 4 साल का। तो रे के यही क्वेश्चंस होते हैं, ये लोगों को मार के पता लगा रहा होता है कि आखिर इसको किसने बनाया, फिर इसको पता चलता है कि इसको डॉक्टर टायरल ने बनाया, सो ये अब उससे मिलने का प्लान करने लगता है। और इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा टायरल से मिलने के बाद कि आखिर इसका लाइफ स्पैन इतना कम क्यों है, इसको भी ह्यूमंस की तरह लॉन्ग लाइफ जीनी होती है। खैर, अब रेचल अकेले डेकर्ड से मिलने उसके घर आती है, इसको सिर्फ ये बताना होता है कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं एक रेप्लिकेंट हूँ, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन डेकर्ड यहाँ विद प्रूफ ये कंफर्म कर देता है कि रेचल एक रेप्लिकेंट है। एक्चुअली डेकर्ड ने रेचल की फाइल पढ़ ली थी जिसमें इसको पता चल गया था कि रेचल के माइंड में टायरल की भांजे की सारी मेमोरीज डाली गई हैं, और इसको रेचल की सारी मेमोरीज के बारे में पता भी चल गया था। सो ये रेचल को उसी की मेमोरीज बता के प्रूफ कर देता है कि तुम एक रेप्लिकेंट हो, और बेचारी का दिल टूट जाता है, टोटे टोटे हो जाते हैं यार, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी को बताओ कि तुम्हारी जिंदगी भर की सारी मेमोरीज जो भी है तुम्हारे पास वो एक्चुअली तुम्हारी है ही नहीं, वो किसी और पर्सन की है, तो यार बुरा तो लगेगा ही। और रेचल नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है, और अब मूवी यहाँ से एक्शन की तरफ मोड़ लेती है, क्योंकि डेकर्ड अब उन चारों रेप्लिकेंट्स को ढूंढ के मारने लगता है। ये सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगा के प्रिस को ढूंढता है, ये ह्यूमंस के बीच में छुप के रह रही थी, और डेकर्ड इसको शूट करके मार डालता है। और यहाँ पर लियोन भी आ जाता है, तो डेकर्ड और लियोन की अच्छी फाइट होती है, बट डेकर्ड को यहाँ पर रेचल आके बचा लेती है, और ये घर वापस जाते हैं। और रेचल अभी एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ ये है रेप्लिकेंट, और फिर ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर वही करते हैं जो आप सोच रहे हो। और इस साइड अब दो रेप्लिकेंट बचे होते हैं, जोरा एंड रॉय, और ये दोनों एक पर्सन सेबेस्टियन से मिलते हैं और ये उसको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि यही एक बंदा होता है जो रॉय को डॉक्टर टायरल तक पहुंचा सकता था, और सेबेस्टियन को डर के मारे ऐसा करना पड़ता है। ये रॉय को लेके टायरल के पास ले जाता है, और टायरल रॉय को देखते ही समझ जाता है कि वो एक रेप्लिकेंट है, क्योंकि इसी ने इसको बनाया होता है। और रॉय सीधे टायरल से एक ही चीज बोलता है कि इसको मौत से डर लगता है, इसके लाइफ स्पैन को बढ़ा दो, और कुछ नहीं। बट टायरल इसको सारे बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल थ्योरीज बता देता है कि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है, रेप्लिकेंट्स के लाइफ स्पैन को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। और टायरल एक्चुअली ये देख के खुश था कि इसकी क्रिएशन रॉय इतनी ज्यादा डेवलप कर गई होती है कि उसके AI माइंड में लाइफ और डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बट रॉय यहाँ टायरल को गुस्से में बेरहमी से मार डालता है, क्योंकि इसको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए यहाँ आया था। और इस टाइम डेकर्ड को रॉय के अड्डे का पता चल जाता है, सो ये वहाँ जाता है और इसकी पहले जोरा से फाइट होती है, और ये जोरा को मार डालता है। देन यहाँ रॉय आ जाता है और इसकी इससे भी काफ़ी अच्छी फाइट होती है। सो लास्ट में डेकर्ड यहाँ से भागने का सोचता है, मगर ये एक बिल्डिंग से लटक जाता है और रॉय के सामने ही गिर के मरने वाला होता है। लेकिन तभी रॉय इसका हाथ पकड़ लेता है और इसको ऊपर घसीट लेता है। इन शॉर्ट ये डेकर्ड की जान बचा लेता है, और कुछ मस्त लाइफ से रिलेटेड डायलॉग्स मारता है। ये बोलता है कि इसकी छोटी जिंदगी सही, मगर इसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं इसके पास एज अ मेमोरीज, लेकिन अब वो सारे मोमेंट्स सारी यादें खो जाएंगी जिस तरह बारिश में हमारे आंसू खो जाते हैं। वाह 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 वाह। और ये बोल के रॉय मर जाता है। लेकिन अब फिर वही गैफ आपको याद होगा, वो यहाँ आके डेकर्ड से कुछ बोलता है कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। सो डेकर्ड भाग के रेचल के पास जाता है कि वो सही है कि नहीं, हालांकि वो सही सलामत होती है। और डेकर्ड को जमीन में एक ओरिगामी देखने को मिलती है, ये एक जैपनीज आर्ट होती है जो पेपर को फोल्ड करके बनाई जाती है। सो ये जमीन में पड़ी होती है, और पूरी मूवी में बीच बीच में हमें दिखाया जाता था कि गैफ इस ओरिगामी को बनाया करता था, मतलब कि गैफ डेकर्ड के घर आया था और उसको पता चल गया था कि रेचल एक रेप्लिकेंट थी, बट उसने उसको मारा नहीं था, उसने रेचल को जिंदा छोड़ दिया था, शायद ये सोच के कि वो वैसे भी मरने वाली है, ज्यादा देर जी नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक रेप्लिकेंट है, उसका लाइफ स्पैन कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली टायरल ने पहले ही डेकर्ड को बताया था कि रेचल एक स्पेशल रेप्लिकेंट है, बोला था न्यू जनरेशन, सो इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसके पास मजे का टाइम होता है लाइफ जीने का।
और इसीलिए डेकर्ड यहाँ रेचल को अपने साथ लेके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए निकल जाता है और मूवी इसी पॉइंट में जाके खत्म हो जाती है। लेकिन ये वीडियो नहीं, अभी असली मजा स्टार्ट होगा क्योंकि मैं अब थ्योरीज पे बात करने जा रहा हूँ। सो इस मूवी की सबसे मेन थ्योरी जो निकल के आती है वो है कि डेकर्ड भी एक रेप्लिकेंट है। जी हाँ, मूवी रिलीज के बाद इस बात पे बहुत डिबेट हुई थी कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है कि नहीं, बट कुछ टाइम बाद डायरेक्टर ने खुद ही बोल दिया कि हाँ डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर साहब एक डायलॉग मारते हैं, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इवन आफ्टर वॉचिंग द होल मूवी देन यू आर अ मोरॉन। सरल शुद्ध भाषा में इनका कहना था कि पूरी मूवी देखने के बाद भी अगर तुम नहीं समझे तो तुम चूतिए हो। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर कैसे डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है। सो सबसे इजी वन, पूरी मूवी में हमें जब भी कोई रेप्लिकेंट दिखाया है तो हमेशा उसकी आईज में एक रेड आई इफेक्ट दिखाया गया है। रेप्लिकेंट्स की आई स्पेशली बनाई जाती थी, जिस लाइक एक आउल दिखाते हैं, एक एनिमल रेप्लिकेंट होता है ये, उसकी आईज भी रेड आई इफेक्ट दे रही होती है। और सेम एक सीन में जब डेकर्ड रेचल से बात कर रहा होता है तो उसकी आंखों में भी रेड आई इफेक्ट देखने को मिलता है, सेम रेचल की आंखों में भी होता है। जैसे हल्का सा ही सही, बट ये प्रूफ कर रहा होता है कि डेकर्ड ह्यूमन नहीं है। और एक और प्रूफ है, हमें एक सीन में दिखाते हैं कि डेकर्ड को बीच बीच में ड्रीम्स आते हैं जिसमें ये यूनिकॉर्न को देखता है, और आपको वो लास्ट में ओरिगामी याद होगा तो वो पेपर आर्ट भी एक यूनिकॉर्न की थी जिसको गैफ ने बनाया था। तो बोला था मैंने गैफ का रोल काफी बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि गैफ को पता था कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है और ज्यादातर टाइम ये डेकर्ड के आसपास ही रहता था। जब डेकर्ड किसी रेप्लिकेंट को मारता था तभी अचानक से फुटेज खाने आ जाता था, और ऐसे ही और भी बहुत जगह है जहाँ ये फर्जी फुटेज खाने आ जाता था। सो बेसिकली इसका काम यही होता है कि इसको डेकर्ड के ऊपर नजर रखनी होती है। और डेकर्ड ने रेचल से एक बार बोला था कि उसने तुम्हारी फाइल पढ़ी है जिसमें रेचल की मेमोरीज लिखी थी। सो सेम गैफ ने भी डेकर्ड की फाइल पढ़ी होगी, जिस वजह से इसको डेकर्ड की सारी मेमोरीज पता होंगी। इसीलिए स्पेसिफिकली इसने यूनिकॉर्न का ओरिगामी डेकर्ड के लिए बनाया था, क्योंकि यूनिकॉर्न ही डेकर्ड के ड्रीम्स में आते थे। और भी चीजें हैं यहाँ पर जो प्रूफ करती हैं ये बात। जस्ट लाइक हमें बताया गया था कि रेप्लिकेंट्स ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और डेकर्ड जिस तरह उन रेप्लिकेंट्स को ढूंढता है और फिर उनको मारता है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। इवन लास्ट में रॉय डेकर्ड की उंगलियां तोड़ देता है, बट स्टिल डेकर्ड अपनी उंगलियों का प्रॉपर यूज करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, विच इज टोटली नॉट नेचुरल। सो ये यहाँ प्रूफ होता है कि डेकर्ड भी एक रेप्लिकेंट है। ये एकदम रेचल की तरह होता है, इसके माइंड में किसी और की मेमोरीज डाल दी गई होती हैं, इसी वजह से इसको कोई आइडिया नहीं होता कि ये खुद एक रेप्लिकेंट है। और स्टार्ट में भी जब इसको अपनी जॉब पे बुलाते हैं तो इसका सीनियर बोलता है कि तुम स्पेशल हो, सिर्फ तुम ही इस काम को कर सकते हो। तो वो भी जानता था कि एक रेप्लिकेंट ही दूसरे रेप्लिकेंट को मार सकता है, बट स्टिल बहुत से लोग इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है। लोगों की छोड़ो, जिस एक्टर ने डेकर्ड का रोल किया है उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि वो इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते, उनके हिसाब से डेकर्ड एक ह्यूमन बीइंग है। तो डायरेक्टर बोल रहा है कि वो रेप्लिकेंट है और एक्टर बोल रहा है कि वो नहीं है, ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर रॉय ने डेकर्ड को क्यों बचाया था। तो इसकी भी थ्योरीज वही है कि पूरी मूवी में रॉय ने सिर्फ ह्यूमंस की ही जान ली होती है, बट लास्ट मोमेंट में इसको पता चल गया था कि डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है, इसीलिए इसने इसकी जान बचा ली। और अदर थिंग कि रॉय कोई बुरा एंड्रॉयड नहीं था, उसको बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। बट जब लास्ट तक उसके हाथ में कुछ नहीं आया तो वो काफी टूट गया, इसीलिए वो सेंटी वाली लाइफ डेथ की बातें करने लगा था, और इसीलिए शायद उसने सोचा कि बेचारे को मार के क्या फायदा। सो ये डेकर्ड को बचा लेता है और अपनी आखिरी सांसें गिन लेता है। और एक्चुअली मूवी में ये मैटर नहीं करता कि डेकर्ड रेप्लिकेंट है कि नहीं, जो पूरी मूवी का मेन पर्पस था, इसका जो मेन मैसेज देना चाहती थी ये मूवी, वो बहुत डीप होता है कि नियर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसा फील होगा आपको, कि आपको पता ही ना हो कि सामने वाला पर्सन ह्यूमन है कि नहीं, नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे। यहाँ तक कि रे बैटी जैसे एंड्रॉइड्स ह्यूमंस को बताएंगे कि लाइफ और डेथ कितनी हार्ड ब्रेकिंग चीज होती है। खैर ये वीडियो यही एंड होती है, मूवी का सेकंड पार्ट की भी वीडियो में बनाऊंगा, वो भी अच्छी है बट थोड़ी हटके है, ऑब्वियसली 35 साल का डिफरेंस है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।